कल मैंने मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी की वीडियो बनाई। इसकी ऑडियो, मूसीकी, आवाज़, तस्वीर, स्क्रिप्ट सब मस्नूई ज़हानत से बनाया गया है और आज आप उसे बनाने का तरीका सीखेंगे। वो लोग जिन्होंने ये कहानी नहीं देखी, सबसे पहले 30 सेकंड का हिस्सा देखें। और अगर आप मुकम्मल वीडियो कहानी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को ओपन करें। मिस्र का बादशाह तूतनखमून अभी तक जाग रहा था। ये जागने का वक्त नहीं था, लेकिन एक वजह थी। मिस्र के तमाम लोग सो रहे थे, तमाम गलियां खाली थीं, मुकम्मल खामोशी। लेकिन वहां सिर्फ बादशाह और मुहाफिज थे। मलिका गुस्से में थी, इसकी सोने की अंगूठी खो गई थी और उसे शुबा है कि अंगूठी चोरी हुई है। इसने महल के जादूगरों को हुक्म दिया। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला है स्क्रिप्ट यानी कहानी बनाना, दूसरा उस कहानी को आवाज़ में बदलना यानी टेक्स्ट टू स्पीच, थर्ड में आता है कहानी के हर सीन के हिसाब से इमेज या वीडियो जनरेट करना, और फाइनली AI के जरिए म्यूजिक बनाना जो कहानी को मजीद ड्रामेटिक बना दे। अगर तो आप ऑलरेडी राइटर हैं और आपके दिमाग में कहानी बहुत अच्छी बनती है तो आपको AI की ज़रूरत नहीं है, खुद ही लिख लें। वरना आपने सीधा जाना है ChatGPT पर और वहाँ पर आपने लिखना है क्रिएट स्टोरी ऑफ, मिसाल के तौर पर आप एक हॉरर स्टोरी लिखवाना चाहते हैं तो लिख दें क्रिएट स्टोरी ऑफ लिटिल बॉय या जो भी आप चाहते हैं। लेकिन याद रखें, ChatGPT को क्रिएट स्टोरी लिखना है, राइट स्टोरी नहीं लिखना, वरना वो किसी की कहानी उठा के लिख देगा यानी छाप देगा। तो आपने क्रिएट करनी है कहानी। तो यहाँ आपने अपनी कहानी जो है वो लिखवा ली ChatGPT से, या आप ChatGPT को बोल सकते हैं कि राइट स्टोरी या क्रिएट स्टोरी इन उर्दू या हिंदी, तो वो उसी लैंग्वेज में कहानी लिख देगा। ये डिपेंड करता है कि आगे आपने टेक्स्ट टू स्पीच के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको 3-4 बताए हुए हैं, जिनमें स्पिरिट मी, 11 लैब और नारा गीत जो है मैंने आपको बताया था। अभी इस वक्त मैं नारा गीत यूज़ करने लगा हूँ। इन तीनों का जो ट्यूटोरियल अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो नारा गीत में क्योंकि वही लैंग्वेज में लिखना होता है जो आप बुलवाना चाह रहे हैं। जैसे मैं अगर हिंदी में बुलवाना चाह रहा हूँ तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा और मुझे स्क्रिप्ट भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो ये ChatGPT आपको फ़ौरन से इसको उसी लैंग्वेज में लिख के दे सकता है। या अगर आपने इंग्लिश में लिखवाया हुआ है तो आप सीधा गूगल ट्रांसलेट पर जाके बस उसको कॉपी कर देंगे तो वो चंद सेकंड में जो है वो उस लैंग्वेज में तब्दील हो जाएगा। नारा गीत का ट्यूटोरियल भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपने आके पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम उर्दू में बुलवाना चाह रहे हैं तो यहाँ उर्दू सेलेक्ट कर लिया, और नीचे जो करेक्टर्स आ रहे हैं यानी जेंडर, उसको सेलेक्ट कर लेनी है कि ये मर्द की आवाज़ हो या औरत की आवाज़ हो। और एक और बात ध्यान में रखेंगे, जितना भी आपने स्क्रिप्ट वहाँ से कॉपी किया है वो एक साथ आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक ही दफ़ा इसको पेस्ट कर देंगे तो ये आपको बोलेगा कि पहले आप सब्सक्रिप्शन लें और जो है वो कुछ उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमने इसको फ्री में यूज़ करना है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसकी ऑडियो जनरेट करेंगे और बाद में अपने वीडियो एडिटर या ऑडियो एडिटर में जाके सारी आवाज़ों को यानी सारी ऑडियोज़ को एक साथ जोड़ देंगे। और अगर आप इसको एक ही दफ़ा में लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने ऑडियो जनरेट कर लेनी है। तो हमारे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप है, इसके हर सीन के हिसाब से हमें इमेजेस और वीडियोज़ कैसे सेलेक्ट करनी है, कैसे बनानी है। तो उसके लिए आपको जाना है www.bing.com/new। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें जो सबसे लेफ्ट वाली पहली ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई भी इमेज ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगी। ये ChatGPT की तरह एक बॉट है लेकिन ये इमेज भी क्रिएट करता है और ये बिल्कुल फ्री है, Midjourney की तरह पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा कि भाई आप एक इमेज बनाओ जिसमें क्वीन जो है वो हाथी पे बैठी हो। कहने का मकसद ये, आपकी स्टोरी का जो भी सीन होगा वो आपने इसको डिस्क्राइब कर देना है। उससे पहले आपने लिख देना है ड्रॉ इमेज। जैसे मैंने अब लिखा ड्रॉ इमेज ऑफ इजिप्शियन क्वीन ईटिंग पिज़्ज़ा। जो भी स्टोरी आपकी होगी ये वैसी ही आपको इमेज बना के दे देगा। अभी इस इमेज को हमने पैरालेक्स और वीडियो इफेक्ट में डालना है। तो ये पहले इमेजेस आप देख लेंगे ये कितनी रियलिस्टिक किस्म की इमेजेस बना रहा है। वही बिल्कुल मिस्र की जैसे मलका होती है उसी की तरह का इसका फेस है और इसका ड्रेस है। 2-3-4 इमेजेस ये आपको देगा फ्री के अंदर। सुबह से शाम तक आप यहाँ पे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। Midjourney में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उधर आपको पैसे देने पड़ते हैं।
तो ये मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगा। अब हमने जाना है लिया पिक्स, ये एक वेबसाइट है जो इमेज को पैरालेक्स इफेक्ट में डाल देती है, जैसा आपने मेरी वीडियो में देखा था, तो वो बिल्कुल वीडियो लगता है। तो ये बिल्कुल फ्री है, इसको बस आपने गूगल से साइन अप कर लेना है। तो मैंने जाके यहाँ पे अपनी जो इमेज थी उसको कर दिया यहाँ पे अपलोड। कुछ सेकंड में देखें अपलोड होने के बाद ये बिल्कुल पैरालेक्स इफेक्ट आ गया। इसकी मूवमेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कितनी सारी ऑप्शन हैं। तो इधर आपने सबसे ऊपर आप देखेंगे एनिमेशन लेंथ, का मतलब है कि ये इसकी स्पीड कितनी हो। अब मैंने स्पीड बढ़ा दी है, तेज़ से मूव कर रहा है, आपकी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आप 6 सेकंड तक या उससे ज़्यादा तक स्लो कर सकते हैं। आप स्टाइल क्या है, अभी ये राइट से लेफ्ट हो रहा था, मैंने अब इसको ऊपर से नीचे कर दिया, अब ये ऊपर नीचे मूव करेगा। जो भी आपका सीन हो आप उसके हिसाब से करें। एक सीन अगर ऊपर से नीचे तो दूसरा लेफ्ट से राइट हो, ताकि जो है वो ओरिजिनल लगे। और इसी तरह और बहुत ऑप्शन है, राउंड में घूम सकता है, सर्कल में घूम सकता है, ऑल शेप में घूम सकता है। इसको जो बस आपने जो भी आपका सीन होगा उसकी इमेज आपने यहाँ पे लाके और इसको इधर से डाउनलोड कर लेना। शेयर में जाएंगे तो अपलोड हो जाएगा, शेयर में जाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको कर लेना डाउनलोड, कुछ सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये देखें, ये मैं इसको ओपन करता हूँ, जो मैंने डाउनलोड किया था ये 3-4 सेकंड का जो है वो वीडियो है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको करना चाहते हैं तो ये जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने OBS का स्क्रीन जो कैप्चर का सॉफ्टवेयर है वो डाला हुआ है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप 1 घंटे की भी इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एक ही सीन 1 घंटे का तो नहीं होगा। अब दूसरा ये कि 360 की वीडियो कैसे बनानी है। अब ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये कमरे की, ये 360 ओरिजिनल व्यू आपको लग रहा है किसी भी जगह का, तो आप ताजमहल या कोई आपके जहन में कॉन्सेप्ट हो, ग्रेवयार्ड हो, जंगल हो, उसका 360 व्यू बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ब्लॉक एड लैब्स के नाम से फ्री की वेबसाइट है, ये सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लॉक एड वेब पे आपने जाके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ना आपने साइन इन किया है, ना आपने साइन अप किया, कुछ भी नहीं करना आपने। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास नीचे ये ऑप्शन आ रही है, ये यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ये आपसे पूछेगा, उसको आप कन्फर्म ओके कर देंगे, गेट स्टार्टेड कर देंगे। और यहाँ पे आपने लिखना है सीन जो आपको चाहिए। जैसे मैंने ये इजिप्ट के ऊपर स्टोरी बनाई थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इजिप्शियन किंग पैलेस, मुझे एक सीन चाहिए था पैलेस का। अब ये देखें, मैंने ये लिखा और इसने जनरेट कर दिया कुछ सेकंड्स के अंदर। ऊपर देखें ऑप्शन ये है कि इसको आप ऑटो पैन कर देंगे तो ये बिल्कुल 360 में घूमना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने जो नीचे टूल बार थी इसको भी गायब कर दिया है। इसको आप जो है वो रिकॉर्ड करके किसी सॉफ्टवेयर से अपने वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये कितना रियलिस्टिक किस्म का इसका व्यू है। कोई भी आपने यहाँ पे सीन क्रिएट करना है, बस आपने यहाँ टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भी ये कोई वार जोन हो और उसका एक जो है 360 व्यू हो। तो अभी अब ये देखें कि ये कितनी, मैंने मंगोल लिखा था, ये मंगोलिया के ऊपर पहाड़ों पे कुछ जो है ना ये वार जोन हुई हुई है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आर्मी सोल्जर्स खड़े हुए हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग का माहौल हो। कार्टून बना सकते हैं, कार्टून की इमेज कर सकते हैं। इस ब्लॉक एड के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, ये इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। म्यूज़िक कैसे बनाना है, ये एक आईवा के नाम से एक AI म्यूज़िक की वेबसाइट है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप म्यूज़िक बना सकते हैं। और इसको आपने फ्री में कैसे यूज़ करना है, आईवा पे जाएं, यहां पे आपने क्रिएट ट्रैक करना है, सिर्फ आपने भी लॉगिन किया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है फ्री का। बहुत सारे यहाँ पे म्यूजिक हैं, EDM, डांस, हिप हॉप, आपने यहाँ से चेक कर लेने म्यूजिक जो आपको पसंद आ रहे हो। अब मुझे इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, मेडिटेशन की ऑप्शन के अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा जिस टाइप का भी आपको म्यूजिक चाहिए। ये पूछेगा सिग्नेचर की क्या, आपको नहीं पता तो छोड़ दें इसको। और ड्यूरेशन पूछेगा, तो ये मैक्सिमम 3 मिनट तक का म्यूज़िक है तो इसको हम 3 कर देंगे। और एक हमें अभी म्यूज़िक चाहिए। इस वेबसाइट में आप 3 से 4 म्यूज़िक पर मंथ फ्री में ले सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत म्यूज़िक जनरेट हो गया, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। तो
तो आप 3 से 4 म्यूजिक भी अगर महीने के कर लेते हैं तो आप एक ही वैसे आपको म्यूजिक चाहिए होता है जो आपकी तमाम वीडियोस में एज ए सिग्नेचर म्यूजिक चलता है, तो वही अगर आप रख लेंगे तो आपकी एक जो है सिग्नेचर सेट हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो आप YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी से भी म्यूज़िक ले सकते हैं, लेकिन वो कई लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मैं जो आप देख रहे हैं ये मिस्र की पागल मल का ये मैंने वीडियो बनाई थी, इसका मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ। अगर आप ये पूरी स्टोरी देखना चाहते हैं तो आई बटन में भी लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। तो आप ये पूरी 10 मिनट की एक मैंने स्टोरी बनाई थी AI के ज़रिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह का इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़फुल वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों के लिए भी इजी हो जाए स्टोरी बनाना। तो AI मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर मज़ीद किसी AI टूल के साथ।